आज मैंने सब अपने मोथा के कैंडिडेट्स से मुलाकात की। सबसे आज मैं मिला और हमारा बात भी हुआ। और मैं आपको एक बात क्लियरली बोल सकता हूँ कि 2 तारीख को दिल्ली का एग्जिट पोल को एग्जिट कराना है त्रिपुरा से, क्योंकि कोई पावर नहीं है जो हमें रोक सकता है नेक्स्ट सरकार में आने से। हमारे त्रिपुरा वॉरियर्स, हमारे ब्रूई बदल, मैंने उनका दिल्ली का एग्जिट पोल देखा। इन्होंने 14 लाख त्रिपुरा सा जो है त्रिपुरा में, उसमें से सिर्फ 500 त्रिपुरा सा से बात किया। सिर्फ 500 लोग से बात करके उन्होंने हमारा 14 लाख त्रिपुरा सा को एक मतलब कि उसका ओपिनियन लिया। उस 500 त्रिपुरा सा से उन्होंने सिर्फ 200 महिला से बात किया। 200 औरत और 300 पुरुष जो हमारे तिपरासा कम्युनिटी से है, उससे अगरतला में बैठकर आपने पूरा ओपिनियन पोल बनाया कि हम लोगों को इतना कम सीट मिलेगा। 2 तारीख को हम सब जानते हैं किसने किसको वोट किया, ये वन लास्ट फाइट किसका है। और 2 तारीख को पूरा दिल्ली को, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि दिल्ली का नेता आकर त्रिपुरा को चलाता है, आज फिर से हमने देखा कि दिल्ली का 2-3 लोग आकर त्रिपुरा का मूड बना रहा है। हम लोग 2 तारीख को इस बार दिल्ली को सबक सिखाएंगे कि अब से त्रिपुरा का आवाज दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली से कोई लोग आकर त्रिपुरा का मूड सुनकर ये टीवी में एग्जिट ओपिनियन पोल ना छापे। ये सब लोग हमको मेंटली, हमें दिल से, मन से, सोच से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं और मैं जानता भी हूं अपने त्रिपुरा सा लोगों को कि आप 2 तारीख को निकलेंगे, अपने लीडर को बैक करेंगे, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे और 2 तारीख को हम लोग इतिहास बनाएंगे। जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन इस बार ये सबको, ये सब लोगों को गलती साबित करके दिखाएंगे हम लोग। ये आपका बुभाग्रा बोल रहा है, मैं आपको प्यार करता हूँ और आप मुझे प्यार करते हैं, और मैं जानता हूँ कि आप सब ने वोट किया है। कोई बाहर का आदमी का औकात नहीं है आपको दिखाने के लिए कि आपने वोट नहीं किया। थानसा लॉन्ग लिव, टिपरा मोथा लॉन्ग लिव, टिपरासा लॉन्ग लिव। हम भाई।